हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीवियस वीडियो में आपको ये इस चैप्टर के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आज जो चलेगा, आज एक्सरसाइज 1.1 का हम सोल्व करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन, कहाँ 1 to 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए वन का फर्स्ट बोल रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब प्रॉपर्टीज को जो हम कौन से प्रॉपर्टीज इसमें लग रहा है, कम्यूटेटिव लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है, एसोसिएटिव लग रहा है, क्लोजर लग रहा है, जो प्रॉपर्टीज में लग रहा है, इसको जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, आज इसी को हम लिखना है और आंसर लाना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -2/3 (3/5) +5/2 -3/5 और (1/6) चलिए अब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये क्वेश्चन को, ये टोटल प्रॉपर्टीज को लिखते हुए, यूज करते हुए, जो जो प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है उसका नाम नेमिंग करते हुए इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले समझे, ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब ये एक नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई मतलब एक नंबर के, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, -6/15 यही आएगा ना, तो ये एक ना डिजिट हो गया। तो मतलब ये जो मल्टीप्लाई में है मतलब ये एक नंबर है, दोनों नंबर मतलब एक है। ठीक है, तो ये एक हो गया, एक नंबर ये हो गया +5/2 एक नंबर ये हो गया। ठीक है, अब इस नंबर को रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज मतलब है कि जो हमको लग रहा है, देखिए जो हमको कॉमन दिख रहा है, जो हमको सेम वैल्यू दोनों में दिख रहा है, वो सेम वैल्यू वाले को एक साथ कर लेते हैं, और जो ऑड वैल्यू है जिसको अलग, उसमें वैल्यू नहीं सेम है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। तो बस वही प्रोसेस करना है, जैसे इसको ये क्या है 2/3 × 3/5, इसमें भी 3/5 सेम है, -3/5 × 1/6 ये बचा कौन +5/2, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, या हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, इसका वैल्यू कभी चेंज होता है, यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हम a प्लस बी करें चाहे b प्लस a करें, दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है। तो बस वही प्रोसेस यहाँ किए हैं, रीअरेंज किए हैं, चाहे हम इसको इधर करें चाहे इसको इधर करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व कीजिए, अब देखिए कि इसमें भी कॉमन 3/5, इसमें कॉमन 3/5 दोनों मल्टीप्लाई, ये एक है, ये एक है। ठीक है, तब 3/5 को इधर हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 3/5 को हम बाहर कर लिए, इसमें माइनस साइन, इसमें भी माइनस साइन, तो माइनस साइन को भी हम बाहर कर लेते हैं, आसान होगा हमको अंदर कैलकुलेट करने में। चलिए कॉमन ले लिए, अब 3/5 कॉमन, इसमें 3/5 कॉमन है, तो इसमें कौन सा बचा है, ये इसमें ये वाला नंबर में और ये वाला नंबर में, ये पहला काम सोल्व कर रहे हैं। 3/5 -3/5 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा 2/3, क्योंकि माइनस भी हम कॉमन ले लिए। ठीक है, ये यहां पर आ गया माइनस, माइनस आया या नहीं आया, अब बोलो कि माइनस आया कि नहीं आया, एकदम नहीं आया।
क्योंकि हम इसका भी माइनस तो बाहर ले लिए है ना, तो जब माइनस बाहर ले लिए हैं अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है नहीं ना, जब माइनस को बाहर ले तो क्या बचा, यहाँ प्लस बचा। इतना तो कॉमन सेंस है ना जोड़ने का कि अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ प्लस बचा, तो प्लस इसमें कितना बच रहा है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 5/2, ये हमको आ गया। ये कौन सा प्रॉपर्टी है भागिया, ये कुछ दिख रहा है तुमको, कुछ दिख रहा है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, या a इंटू बी माइनस बी इंटू सी, या a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। इसका जो वैल्यू आता है तो इसको क्या लिखते हैं, a इंटू बी कॉमन है ना, b इंटू ए माइनस सी, या इसको क्या लिखते हैं, b इंटू ए प्लस सी। ये कौन सा प्रॉपर्टी में आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही आता है ना, या हम कह रहे a इंटू बी माइनस बी इंटू सी, तो इसका b इंटू ए माइनस सी, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, इसको क्या आता है, b इंटू ए प्लस सी, यही आता है। अब देखिए बस वही प्रॉपर्टी यहां भी वही प्रॉपर्टी यहां है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आ गया, हम कौन से प्रॉपर्टी से यहां किए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 3/5 एलसीएम लिए, कितना 6, ये 4 प्लस 1 प्लस 5/2, ये हो गया माइनस 3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2। अब इसको मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा, तो माइनस 1/2 प्लस 5/2 यही आएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 2, तो माइनस 1 प्लस 5 4/2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 आंसर, ये 2 आ गया आंसर। मेरा कौन को, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुआ, ठीक है, यही है। चलिए अब इसका नेक्स्ट 2 स्क्रीनशॉट ले लेना, बस खाली क्वेश्चन को देखना है और आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। अब इसका क्वेश्चन 2 किधर है, टू बाई फाइव क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 2/5 इंटू माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप चलिए देखिए, बस सेम वही करना है, क्या करना है, ये आपका एक नंबर है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। अब इसमें को देखिए, जो कॉमन वो कोई दिख रहा है, हम 2/5 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, 2/5 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन वाले नंबर को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कॉमन वाले नंबर को एक साथ कीजिए, तो इज इक्वल टू 2/5
इंटू माइनस थ्री बाई सेवन, प्लस में है तो प्लस वन बाई फोर्टीन इंटू टू बाई फाइव, यही हो गया। चलिए अब बचा कौन, ये माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू। ये क्या, इसको रीअरेंज किए, रीअरेंज हम क्या बताएंगे, चाहे a प्लस बी करें या b प्लस a करें, वो कौन सा प्रॉपर्टी में आता है, ये कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप, अब इस नंबर को हम क्या करें, 2 बाई फाइव इसमें कॉमन, 2 बाई इसमें फाइव इसमें कॉमन, 2 बाई फाइव को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाई फाइव को हम बाहर निकालें कॉमन, इसमें क्या बचा माइनस थ्री बाई सेवन, इसमें क्या बचा प्लस वन बाई फोर्टीन, इसको माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 बाई फाइव एल सी एम फोर्टीन माइनस सिक्स प्लस वन माइनस वन बाई सिक्स इंटू थ्री बाई टू, बस दम सॉल्व करते चल जाना। अब जो बताइए कि जो ये सॉल्व किए, क्योंकि a इंटू बी है और ये a इंटू बी है और b इंटू या a इंटू बी या c इंटू a है, यही है ना, a इंटू बी ये सी इंटू ए, ए कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ए को कॉमन तो हम कैसे लिख सकते हैं, बस इसी प्रोसेस से लिख सकते हैं, यही प्रोसेस से ना लिखेंगे, या इसको और आसान करना है तो आप अपने मन से आसान कर सकते हैं, जैसे इसको हम लिखें ये सबसे पहले ये समझिए ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको पहले बताया कि अगर a इंटू बी हो प्लस a इंटू सी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a है कॉमन है तो b प्लस सी, या हो a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो तो क्या लिख सकते हैं, a b माइनस सी। तो जिस पे ये वैल्यू आपको दिख रहा है उसी पर तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वही कह रहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a इंटू बी सी इंटू ए, तो a को हम कॉमन ले लिए और b प्लस सी कर दिए, बस वही करना था। तो यहाँ इतना करने का क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, 2 बाई फाइव माइनस इंटू माइनस फाइव बाई फोर्टीन, माइनस फाइव बाई फोर्टीन माइनस थ्री टू जा सिक्स वन बाई फोर। अब यहाँ से फाइव से फाइव कैंसिल होगा, फाइव से फाइव कैंसिल, तो अब टू सेवन जा फोर्टीन, यहाँ कितना आया माइनस वन बाई सेवन माइनस वन बाई फोर, इसका एलसीएम कितना आया 28, 7 फोर जा 28 तो माइनस फोर, माइनस फोर सेवन जाइए तो माइनस सेवन इक्वल टू माइनस इलेवन बाई 28, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर सपोज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई अवश्य देंगे, जरूर देंगे, जो भी प्रॉब्लम, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी हर प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर टू, राइट द एडिटिव एडिटिव इनवर्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू का पहला कितना है 2/8, दूसरा क्या है
माइनस फाइव बाई नाइन, तीसरा क्या है माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव, टू बाई माइनस नाइन, टू बाई माइनस नाइन, पांचवा क्या है नाइनटीन बाई माइनस सिक्स, चलिए अब इसका ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है हमको, एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर सपोज कोई नंबर दिया हुआ हो, कोई नंबर दो, अगर उन दो नंबर को इस नंबर में क्या जोड़े कि रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही आपका एडिटिव इनवर्स होता है। अगर आपको हम पहले बताते क्या कि कोई नंबर अगर सपोज टू दिया हो, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस टू, क्यों, अगर टू प्लस माइनस टू को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो। तो इसको देखो तो प्लस माइनस माइनस टू इक्वल टू जीरो, दो में से दो गया जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई सा भी नंबर हो, नंबर में हम क्या जोड़े या कितना जोड़े कि उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए या जीरो कर दिया जाए, तो उसी को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि उसका रिजल्ट अगर सम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो हो जाए। तो मतलब क्या कि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में हो तो प्लस में, यही एडिटिव इनवर्स ना होगा। तो ये है क्या प्लस में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा माइनस टू बाई एट, क्यों, अगर ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे, एडिटिव मतलब जोड़ना, इनवर्स मतलब जोड़ करना है, उसके उल्टे को जो वैल्यू दिया उसका उल्टा का जो जोड़ करेंगे उसका रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो जाए, उसी को भी एडिटिव इनवर्स। अगर टू बाई थ्री को टू बाई एट माइनस टू बाई एट को जोड़िए तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए अब इसका सेकेंड, इसका माइनस में, इसमें क्या जोड़ने के रिजल्ट हमको जीरो आ जाए, तो अगर माइनस फाइव बाई नाइन में प्लस फाइव बाई नाइन कर देंगे तो इजिकल टू जीरो आ जाएगा, जितना था उतना, जितना माइनस उतना प्लस में, दोनों कैंसिल जीरो, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा प्लस, यही आपका एडिटिव इनवर्स हो गया प्लस फाइव बाई नाइन। अब ये थर्ड, ये माइनस सिक्स बाई फाइव या माइनस फाइव है तो आपको पता होना चाहिए अगर दोनों साइड माइनस माइनस है तो ये माइनस कैंसिल, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर दो वैल्यू का फ्रैक्शन में सपोज माइनस ए माइनस बी हो तो इसका रिजल्ट होता है ए बाई बी, ये आप दिमाग में बैठा रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाता है फ्रैक्शन में। तो कैसे किसी नंबर को काटते हैं, जैसे अगर दो बाई चार है तो नंबर को कैसे काटते हैं, दो दूनी चार, या टू बाई टू है तो टू इंटू टू कैंसिल वन बचा, उसी तरह से ये भी है, दोनों सेम नंबर है तो दोनों सेम माइनस कैसे कर दिए, वन हुआ तो वन से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगा। मतलब यही हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर दोनों साइन दिया हो तो उस साइन को एक दूसरे से कैंसिल आउट किया जाता है, मतलब माइनस ए वाई बी को ए वाई बी लिखा जाता है। तो बस इसी को हम क्या लिख सकते हैं सिक्स वाई फाइव, इसी को हम क्या बोल लिखेंगे सिक्स बाई फाइव। अब सिक्स बाई फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस सिक्स बाई फाइव, ये हमारा एडिटिव इनवर्स क्या है इसका सिक्स बाई फाइव, मतलब माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव का एडिटिव इनवर्स माइनस सिक्स बाई फाइव, ठीक है। अब इसका अगर कोई नंबर समझिएगा, अगर कोई नंबर ए माइनस बी हो, इस नंबर को अगर माइनस ए बाई बी लिखें या, और इधर से लिखते हैं, अगर कोई नंबर ए बाई माइनस बी हो तो इसी नंबर को माइनस ए बाई बी लिखा जाता है और इसी नंबर को माइनस ए बाई बी, चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे इसका बीच में हो, इसका मतलब हुआ कि ऑल ओवर जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, मतलब कि ये नेगेटिव में ही वैल्यू है, चाहे इपल इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं है, सब को सेम ही कहा जाता है, चाहे टू बाई माइनस नाइन लिखिए चाहे माइनस टू बाई माइनस टू बाई नाइन लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम हुआ। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस टू बाई नाइन का टू बाई नाइन,
क्रिएट इनवर्स 2/9, ठीक है। चलिए सेम वही है, नीचे है साइन, चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको -19/6 लिखिए, दोनों सेम है। चाहे इसको लिखिए -19/6 ऐसे लिखिए, तीनों सेम है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, माइनस में तो प्लस में 19/6, ये आपका एडिटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बस सिर्फ समझना कि क्या बोल रहा है, हमको क्या निकालना है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो हम पढ़ा चुके हैं उसके अलावा इसमें इस टेक्स्ट बुक में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरीफाई करना, ठीक है। कितना है वेरीफाई, किसको करना है, -(-x=x) जिसमें एक्स का वैल्यू पहला नंबर, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11/15, x=11/15। इसको वेरीफाई करना है कि -x और -x को अगर =x होता है या नहीं, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। चलिए इसको करते हैं। आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि अगर सपोज -और -x है, अगर मल्टीप्लाई में, तो -(-)-(+) होता है। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस होता है, होता है या नहीं, बस। तो इसमें कुछ नहीं करना, प्रूफ हो गया कि -(-)-(+) क्या होता है, प्लस होता है, कुछ करना ही नहीं है। तो बस उसी तरह से -(-)+, ये आपको पहला मेथड, मेथड वन से हम बता रहे हैं, ठीक है, मेथड वन। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, ये 11/15, ठीक है ना, =11/15, क्योंकि =x है, बस इसी को उतार दिए हैं यहां। अब नेक्स्ट स्टेप, वी नो दैट कि -(-)-(- वी गेट प्लस। अगर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस में हमको देता है, तो -(-)- क्या हो गया, प्लस 11/15, मतलब 11/15 =11/15, ठीक है। अब इसका सेकेंड मेथड आ जाओ, मेथड टू। वो मेथड वन था, मेथड टू। अब मेथड टू में क्या है कि हमको एक्स का वैल्यू हमको पता है, क्या है, एक्स इज इक्वल टू 11/15। 11/15 को हमको क्या प्रूफ करना है कि -(-)-(x) = x होता है। 11/15 को इसका एडिटिव इन्वर्स कर लो, क्या कर लो, एडिटिव इन्वर्स करो, तो कितना हो जाएगा, 11/15 प्लस माइनस 11/15 = 0, क्योंकि हमको एडिटिव इन्वर्स हमको पता है कि अगर कोई a प्लस बी करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आ जाए, तभी हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। जैसे a का वैल्यू यहाँ देखें 11/15 प्लस किए और -11/15, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट करना है कि जो 11/15 है, ठीक है, 11/15 को इधर रखना है, इसी साइड -(-)-11/15, ठीक है। और ये क्या था, 11/15 को ये सर दूसरी साइड कर लीजिए, तो -(-)/15,
ये आ जाएगा, हम बराबर को दूसरी साइड किए तो वो माइनस में आ गया। अब जो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमको क्या करना है कि नेक्स्ट अगर इसका साइन को आप चेंज करना, ये प्लस में है क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस, इसको मत देखिए, ये वैल्यू ही माइनस है, इसको मत देखना है। ये इसके आगे लगने वाला साइन प्लस है, इसके आगे लगने वाला साइन माइनस है। अब इसका साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस की जब साइन चेंज करें तो क्या आ जाएगा, माइनस। अरे ये तो प्लस है ना, अब दोनों साइड साइन को चेंज कर देंगे तो साइन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में है तो इसका साइन तो माइनस, माइनस 11/15 इज इक्वल टू, ये माइनस में इसको साइन चेंज करें तो क्या होगा, प्लस में, तो प्लस 11/15। हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, माइनस 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 एक्स का वैल्यू कितना है, 11/15/15 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। कितना आसान था, ये आसान है कि वो आसान है, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए, ठीक है। बस यही करना है कि पहले एडिटिव इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स को इक्वल टू जीरो करना है, कि एडिटिव इनवर्स होता ही है, दोनों को सम करने के बाद जीरो आता है, तो दोनों को सम करना जीरो आ गया। अब जो पहला नंबर है ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, अब दोनों को साइन इंटरचेंज कर देना, जो प्लस में उसको माइनस, माइनस में जिसको प्लस, तो दोनों इंटरचेंज किए तो प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब इसका सेकेंड, सेकंड रहने देते हैं, बस तुम उसी तरह से बना लेना, ठीक है। सब बना देंगे तो फिर तुम लोग क्या बनाओगे, ठीक ना। अब इसका हम फोर्थ समझते हैं, थर्ड को हटा देते हैं, ठीक है। बस सेम उसी तरह से तुम ट्राई करना, अगर ना बने तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले उस क्वेश्चन 3 का 2 को हम सोल्व कर देंगे। लेकिन प्लीज आप ट्राई कीजिए, बिन क्यों मैथ है ना, ट्राई जब तक नहीं कीजिएगा मैथ सोल्व नहीं लगेगा कि हाँ इस टाइम बन गया, लेकिन आप कुछ समय या कुछ टाइम के बाद भूल जाइएगा। इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना शार्प होगा, उतना अच्छा होगा, मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को ही बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है कि सपोज कोई नंबर अगर a बाई बी में है तो वो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b बाई ए, मतलब उस नंबर को उल्टा हो जाता, उलट दिया जाता है, जो डिनोमिनेटर उसको नंबरेटर में, नंबरेटर इसको डिनोमिनेटर, कब, जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स खोजेगा तब। क्यों, क्योंकि अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी या बी इंटू ए या a बाई बी इंटू बी बाई ए, इसका रिजल्टेंट 1 होना चाहिए या 1 होगा तभी वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वैलिड होगा। क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बी से भी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1 = 1, इसका हमेशा मल्टीप्लाई कितना आता है, 1 आता है, इसलिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी भी नंबर को देखिए, जो भी नंबर दिया उसको हम सिर्फ इंटरचेंज उलट देंगे, वही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। अगर यही माइनस ए बाई बी रहता तो इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माइनस बी बाई ए हो जाता। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आएगा, रिजल्टेंट 1 आएगा, मतलब कि सही है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सही है। चलिए इसका पहला हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन माइनस थर्टीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसमें हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट 1 आ जाए, इसमें क्या से मल्टीप्लाई तुम करो कि रिजल्ट 1 आ जाए, बस इस नंबर को पलट देना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो इस नंबर को कितना, माइनस थर्टीन है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू हमको 1 आ जाए, कितना से करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाई माइनस थर्टीन, इससे ये कैंसिल, 1 = 1, मतलब कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो गया, -1/13 पहला का, मतलब इस नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो उस नंबर को अगर उलट देंगे और उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों काटने के बाद, डिवाइड करने के बाद 1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, -1/13। अब इसका सेकेंड देखते हैं,
सेकंड, सेकंड कितना है माइनस 13/19। आप इसको बताइए, बस इस नंबर को उलट देना है, उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस 19/13। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 19 से 19 कैसे 30 से 30 इजिकल टू 1, मतलब 1 आ गया, मतलब सही है। मतलब इस नंबर को अगर उलट दिए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसी नंबर को उलट देने पर उसका आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा, 1 आएगा। चलिए अब इसके पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, माइनस 5/8 इंटू माइनस 3/7। अब इसको बनाना है मल्टीप्लिकेटिव में, इसको तो सबसे पहले कि इस नंबर को एक करना है, ये एक ही नंबर है लेकिन इसको स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के लिखा गया है, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहली बात। तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5 इंटू माइनस, मतलब कि माइनस 5 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हमेशा क्या आता है प्लस में, अगर इसको भी छोड़ दीजिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 5 इंटू माइनस 3 तो प्लस में आता, तो प्लस कितना होगा 15। 8 इंटू 7 माइनस 8 इंटू, क्या दोनों ऊपर भी माइनस होता नीचे भी माइनस होगा, ठीक है, तो दोनों माइनस ही है तो किसी भी माइनस को ले लेते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, बस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ये दिमाग में रखिएगा। तो कितना 8 इंटू 7 कितना हो गया 56। अब इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 56/15। क्यों, अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट 1 देगा इसलिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, एक पचमा कर देना, ठीक है, माइनस वन इंटू माइनस 2/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, सेम वही करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इंटू, इसके भी नीचे 1 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 3 कितना होगा 2 डिवाइडेड 5 इंटू 1 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2, ठीक है। अब नेक्स्ट और कोई है जी, अब इसका एक 6, जो नंबरिंग है वही नंबरिंग हम लिख रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होना, 3 के बाद 4 आता है लेकिन नंबरिंग जो वही लिख रहे हैं, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके नीचे 1 रहा छुपा हुआ, रहता है ना किसी भी डिजिट के नीचे 1 रहता है, उससे वैल्यू कोई चेंज नहीं होता, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, जो माइनस 1 है, माइनस 1 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 होगा, सही है, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस 1 ही होगा, ये सही है या गलत है, आप बताओ। माइनस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस 1 ही होगा, ये सही है गलत है, ये माइनस साइन यहाँ लगाइए या 1/-1 लगाइए, साइन से कोई डिफरेंस या चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है बच्चे, सही है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, आपको फिर से बोल रहे हैं, जो समझ में ना आए प्लीज आप कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा, नाम और स्टेट लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, जिससे भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि माइनस 4/5 माइनस 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 4/5 इज इक्वल टू माइनस 4/5।
ये क्या बोल रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लीकेशन यूज टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये क्या मल्टी, कौन सा प्रॉपर्टी से इसको बताना है या शो करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम पहले ही बता चुके, अगर किसी भी नंबर में अगर वन से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू या रिजल्ट सेम आता है, चेंजिंग कुछ नहीं आता, वही नंबर आता है। अगर सपोज ए में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, या वन में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बस यही कर रहा है कि प्रॉपर्टी को हमको क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो वन से अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर में तो वही नंबर आता है, इसलिए यहां पर कौन सा यूज होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि वन इज द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर टू, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। अब टू को देखिए, -13/17 आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, हम पहले बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख लो। ऐसे तुम लोग कहोगे सर गलत बता रहे हैं, ये वन इज द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, हटा का आइडेंटिटी कर लो, आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -17, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी कौन सा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बोलो कैसे सर, हम पहले बताएं अगर ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए बोलो, दोनों वैल्यू सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लीकेशन में, अगर ए इंटू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ए इंटू बी बोलो या बी इंटू ए, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी में कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ये मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, एडिशन में क्या होता है, चाहे ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, ये किस में आता है, ये एडिशन में आता है, ये ऐड में आता है, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मल्टीप्लीकेशन में कौन सा आता है, या ए इंटू, तो ये कौन सा हो गया, इसको तुम लिख सकते हो ना, ये ए बी बी ए क्या हुआ, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसका मतलब कौन सा ही प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। चलिए ये कौन सा आ गया जी, ये तो तुम देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है ना, अब तो ये है क्या, अगर किसी भी नंबर को अगर उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट वन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर को
अरे इसी को ना हम क्या बताए थे, अगर सपोज ए बाई बी है, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्टेंट वन आ जाए, तो ये बी बाई ए से करते हैं तो रिजल्टेंट वन आ जाता है, तो इसको इसी को ना बोलते हैं क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब जो नंबर वही है ए बाई बी, यही फॉर्म में ना है ए बाई बी माइनस में माइनस ए बाई इंटू बी बाई माइनस ए, इसी फॉर्म में माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई ए, इसी फॉर्म में इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर इनवर्स, आई बात समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इतना समझ में आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए जो भी डॉट हो फिर से बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके हर डॉट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो कोशिश नहीं, आपको सॉल्व किया ही जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी डॉट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मल्टीप्लाई 6 बाई 13 में मल्टीप्लाई किसको करना है, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 16। मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल, माइनस 7 बाई 16 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बताए थे ना कि रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जो नंबर दिया इसको सिर्फ उलट देंगे, सिर्फ उलट देंगे तो वही इसका रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, माइनस 7 बाई 16 का रेसिप्रोकल आ जाएगा क्या, 16 बाई 7, माइनस 16 बाई 7। क्यों आया, क्योंकि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वन आ जाएगा, आया कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका ये रेसिप्रोकल आ गया, तब करना 6 बाई 13 इंटू माइनस 16 बाई 7। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 16 6 96 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 13 से बन जा 91। ये आपका आंसर, आई बात समझ में कि 6 बाई 13 में मल्टीप्लाई किससे करना था, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 बाई 16। तो माइनस 7 बाई 16 का रेसिप्रोकल माइनस 16 बाई 7, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 11 कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।